378 अध्यक्ष महोदय, खंड एक। जी हाँ, सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र पीपलडा हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर एवं उप स्वास्थ्य केंद्र वैटावा ब्लॉक में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट तथा 6 सैयाओं का वार्ड बनाए जाने के लिए राशि स्वीकृत की गई, जिसकी सूचना परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड दो। जी हाँ, उपरोक्त संस्थानों के लिए भूमि आवंटन हो चुका है, जिनमें से उप स्वास्थ्य केंद्र गोठड़ा कला, केशवपुरा, प्रेमपुरा, लक्ष्मीपुरा, द्वितीय हेल्थ वेल्थ सेंटर बोडा के भवन निर्माण हेतु विभिन्न कारणों से स्पष्ट रिक्त भूमि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, जिसका विवरण परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। भूमि आवंटन की सूचना परिशिष्ट सेब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूँ सरकार से कि जब गोठड़ा कला चिन्हित हो गया, फिर भी आपने भूमि अलॉट नहीं की। गांव की सीमा में बनता है 50-500 फुट इधर उधर, ये है पोटेशियम। मंत्री जी, अतिक्रमण जो 50 में आपने बताया है, वो उपले थे प्रपे जो छाने होते हैं। माननीय मंत्री जी, आपका कोर्ट में केस विवाद 60 दिन के, माननीय अध्यक्ष जी, 60 दिन के अवधि के बिना जारी नहीं होता। इनके वकील जो है, वो वकील इतने निष्क्रिय क्यों है, मेरे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष जी। दूसरा मेरा अर्ज करना है, ये जो आपने कुछ स्थानों पर भूमि का पट्टा प्रतीक्षाधीन, क्या 3 साल तक भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा तो आप कितने दिन में इस छोटे छोटे एग्रीमेंट को उठा करके भूमि का पट्टा दिला के और निर्माण करवा दोगे, ताकि वहाँ के कर्मचारियों को और आम जनता को लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया, 5 जगह पर भूमि पर वहाँ पर अतिक्रमण है, जो माननीय सदस्य को भी बताया कि अतिक्रमण है। जो ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी तो ही हम काम शुरू कर देंगे। वर्क ऑर्डर है, सारी सैंक्शन है, पर अतिक्रमण होने के कारण कई लोगों का, तो जैसे अभी केशवपुरा है, या काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण है, वहाँ का पट्टा दे दिया। या तो माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूँगा कि आप वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों को कहकर, तहसीलदार को कहकर, दूसरी जमीन पर अतिक्रमण नहीं हो, अगर आप उसकी भूमि उपलब्ध कराएंगे तो हम जल्दी से जल्दी काम शुरू करा देंगे सभी का। देखिए, उपले थोपने को अतिक्रमण मानते हैं, छाने थेप रखे उसको भी अतिक्रमण मान करके इनके अधिकारी जानबूझ करके नहीं कर रहे। गोठड़ा कला बड़ा गांव है, वहाँ आप पट्टा कब तक दे दोगे और कब तक उसका काम चालू करा दोगे, दो ही बात है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण होने की वजह से काम शुरू हुआ नहीं, तो हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। माननीय मंत्री जी, अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दें, वो चाहते हैं जिससे अतिक्रमण हटे वो कह रहे ऊपर खाली लगा रखा। हम कलेक्टर को हमारी तरफ से पत्र लिख देंगे, कलेक्टर कोटा को कहेंगे वहाँ से अतिक्रमण हटाएं, पर ऐसी संभावना है, हमारे लोग बहुत सालों से बसे हुए हैं, 20-30 साल से बसे हुए हैं, उस जगह का शौचालय बना हुआ है, बाड़ा बने हुए हैं, वहाँ पर अतिक्रमण है। माननीय सदस्य उन पर सहानुभूति विचार करें, वैकल्पिक व्यवस्था की कराए। सरकार कलेक्टर कोटा का आदेश देती है, सरकार पत्र लिख दिया का आदेश दे देखिए, मेरा तो ये अर्ज करना है, आदेश दीजिए आप कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने के, तो एसडीएम में आप दोबारा कलेक्टर को लीजिएगा। माननीय विधायक महोदय चाहते हैं अतिक्रमण को हटाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश से आज ही कलेक्टर को अतिक्रमण हटाकर वहां पर काम शुरू कराए। अगला प्रश्न, सीताराम।